हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DL थर्ड सेम की इंटर्नशिप फाइल और जो लेसन प्लान बनाना है उसमें से मैंने जो अभी सब्जेक्ट लिया है वो इंग्लिश है। आपको इंग्लिश में 3 लेसन प्लान बनाने हैं तो मैं अभी उसको शेयर कर रही हूँ। और ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर एंड संस्कृत का लेसन प्लान शेयर कर दिया है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो मैं अभी लेसन प्लान दिखा रही हूँ जो जिसमें मैंने थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास लिया है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको जूम कर रही हूँ कि मैंने टॉपिक क्या लिया है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सेंटेंस क्या होता है ये फिफ्थ क्लास के लिए लिया है मैंने। जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखना होगा आपको, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखना होगा। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। एंड रही बात PDF में शेयर कर दूँगी, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद टीचिंग एड्स आता है, इसके प्रीवियस नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन का पोर्शन है ये। इंट्रोडक्शन में आप क्या आप पूछ सकते हो सेंटेंस में, तो व्हाट डज ABCD रिप्रेजेंट, व्हाट ग्रुप ऑफ अल्फाबेट फॉर्म्स, व्हेन वर्ड्स आर जॉइन टुगेदर व्हाट डज इट मेक, व्हाट इज सेंटेंस। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है। देन उससे हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेंटेंस एंड इट्स टाइप। एंड देन प्रेजेंटेशन आता है कि आप किस वे में पढ़ाते हो, तो आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो। मैंने टीचिंग पॉइंट्स ऐड किया है इसमें, मैंने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, देन पीपल टीचर एक्टिविटी एंड देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी होता है, ठीक है। उसके बाद यही है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ गया है। और ज़्यादा मैंने डिटेल में इतना नहीं लिखा है क्योंकि ये हमें लेसन प्लान बनाना है, इसमें ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। फिर भी जितना मुझे था मैंने सारे ऐड किए हैं। फिर कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है जो डिफाइन सेंटेंस, राइट 3 एग्जांपल ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, आप ऐसे लिख सकते हैं। देन ब्लैक बोर्ड वर्क आता है, ब्लैक बोर्ड वर्क वही होता है जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें आपने क्या लिखा है। तो एग्जांपल लिखा था मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर पॉइंट आउट करके पूछा था कि मोहन इज़ अ बॉय, राधा इज़ अ गुड गर्ल। देन उसके बाद पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, 3-4 मैंने बताया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। ओके ठीक है, ये सेम ही अभी मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो एग्जांपल दिए थे वही ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है मैंने। उसके बाद ऑब्जर्वेशन आता है, ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन कह सकते हैं इसको। व्हेन द स्टूडेंट राइट द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपीज, द पीपल टीचर विल ऑब्जर्व या सुपरवाइज द स्टूडेंट एंड हेल्प देम इन देयर वर्क, ठीक है। फिर रिकैप्चुलेशन आता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एंड ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चन किया मैंने। फिर होमवर्क आता है जिसमें आपको फ्रेम 5 सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स, ऑनेस्टी, हैप्पी, येलो एंड प्लीज कॉपी, ये सारी चीज़ें दी है। उसके बाद आता है अगला लेसन प्लान है थर्ड क्लास के लिए, जो टॉपिक लिया है मैंने नाउन। एंड इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव सेम होगा एक हर सब्जेक्ट के, मतलब इंग्लिश के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव जितने भी टॉपिक लोगे आप सेम ही होगा। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखा है मैंने कि स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ नाउन, स्टूडेंट विल बी एबल टू सेलेक्ट नाउन इन द सेंटेंस, स्टूडेंट विल बी एबल टू फिल राइट नाउन इन वैरिड सेंटेंसेज, ठीक है। देन टीचिंग एड्स आप किसके थ्रू पढ़ा रहे हो, कौन सा आप टीचिंग एड्स यूज कर रहे हो। देन प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट जेंडर, जेंडर मतलब मैंने जो एग्जांपल दिए थे नाउन, अगर मैंने दिया था सी इज, मतलब ये दिया था राधा इज़ ब्यूटीफुल, तो राधा, व्हाट इज़ राधा, तो ऐसे एग्जांपल दिया था, तो उनको जेंडर का नॉलेज था, ठीक है। देन आता है पीपल टीचर इंट्रोडक्शन आता है कि क्वेश्चन इसमें इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन ही है जो मैंने पूछा था, पीपल टीचर विल पॉइंट आउट द सेंटेंस, ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया सेंटेंस है कि सुनील इज़ अ गुड बॉय एंड नोएडा इज़ अ बिग सिटी, ये सारे सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पर लिख के मैंने पूछा कि इसमें नोएडा क्या है, इसमें ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चों ने आंसर दिया। लेकिन जब मैंने पूछा डिफाइन नाउन, व्हाट इज़ नाउन, तो वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था। देन स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक वही हो जाएगा, देन प्रेजेंटेशन हो जाएगा, या प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो कि मैं जूम करके दिखा रही हूँ मैंने क्या लिखा है, आप लिख लेना उसको। देन आता है कि
डेफिनेशन भी हो गया, आइडियाज़, फीलिंग्स सब कुछ बता दिया मैंने। फिर कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आ जाता है कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ नाउन, गिव सम एग्जांपल ऑफ नाउन। देन ब्लैक बोर्ड वर्क आता है, जो एग्जांपल दिए थे मैंने, क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड को पॉइंट आउट करके पूछा था कि इसमें सुनील किया है, नोएडा किया है, टेबल किया है। देन ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि क्या करना है, टीचर क्या कर रहा है। रिकैप्चुलेशन होता है कि व्हाट इज़ चेयर, व्हाट इज़ एंगर, डिफाइन नाउन। एंड देन आता है कि होमवर्क क्या है, कम्प्लीट द सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्लू, कैट इज़ ऑन द टेबल, ऐसे भरना है, ठीक है। उसके बाद लेसन प्लान मैंने फोर्थ क्लास के लिए लिया है, एंड द टॉपिक इज़ आर्टिकल। इसमें मैंने टॉपिक आर्टिकल में डेफिनेट इनडेफिनिट नहीं बताया मैंने अभी, अब सिंपली क्योंकि फोर्थ क्लास के बच्चे हैं उनको डेफिनेट एंड इनडेफिनिट इतना हायर लेवल नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने यूज़ ऑफ ए एंड एन डाल दिया है ब्रैकेट में, ताकि आपको समझ आ जाए। फिर आपको जनरल ऑब्जेक्टिव सेम लिखना होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको डालना है स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट आर्टिकल, स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग एड्स, सामने क्या यूज़ किया है, इसमें ज़्यादा मैंने यूज नहीं किया था, चार्ट पेपर क्लास में लगे हुए थे, देन चार्ट, चॉक एंड डस्टर एक्सेट्रा। एंड देन आता है प्रीवियस नॉलेज, आपके स्टूडेंट्स हैव नॉलेज ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का नॉलेज थी उनको। देन आता है इंट्रोडक्शन कि आप कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो, कि बच्चों से पूछ रहे हो। देन पीपल टीचर विल शो सम फ्लैश कार्ड। उसके बाद आता है से द स्टूडेंट टू रीड देम एंड व्हाट आर दीज वर्ड्स, मतलब वो कुछ वर्ड्स दिखाती है, मतलब कैब, बॉल, ये सारे वर्ड्स फ्लैश कार्ड ही कार्ड पर लिखे होते हैं जो वो शो करती है, ठीक है। उसके बाद पूछती है कि ये क्या है, तो जो स्टूडेंट होते हैं रिस्पॉन्स की फ़ैन है, कैप है, ऑरेंज है, अम्ब्रेला है। देन टीचर पूछे कि विच ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विद वोवल्स, कौन से वैसे वर्ड है जो वोवल साउंड लग रहा है, तो वो ऑप्शन, मतलब वो जो ऑप्शन दिया था उसमें से बताएंगे कि अम्ब्रेला एंड ऑरेंज। देन नेम द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, उनसे पूछेंगे कि वोवल्स कितने हैं, तो वो बताएंगे। देन वॉट वॉट डू वी प्लेस और मतलब वॉट डू वी प्लेस और यूज़ वी फॉर वोवल्स और कॉन्सनेंट, मतलब हम वोवल्स और साउंड के पहले क्या यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉब्लम, यहाँ पे पॉइंट नहीं डाला है, फोर पॉइंट है कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम उसके बाद मैं स्टेटमेंट ऑफ द एम हो जाएगा कि स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल एंड यूज़ ऑफ ए एंड एन, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन होगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगे, देन यूज़ ऑफ ए एंड एन स्टूडेंट क्या करेंगे, केयरफुली सुनेंगे, ठीक है। देन यूज़ ऑफ ए एंड एन का बता दिया विद एग्जाम्पल, एंड देन कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएगा कि यूज़ ए एंड एन बिफोर दीज वर्ड्स रिटन बिलो, और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा। देन सुपरविजन आ जाएगा, टीचर क्या करेगा, क्लास में ऑब्जर्व करेगा। एंड देन रिकैप्चुलेशन, डिफाइन वोवल्स, ए इज़ यूज्ड बिफोर आर्टिकल ए एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। देन होमवर्क आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन, तो ये सारे फिल भर कर देंगे, ठीक है। एंड ये ओवरऑल आपको फिर से दिखा रही हूँ कि क्या है लेसन प्लान, आप देख सकते हो। तो ये सारे लेसन प्लान हैं इंग्लिश के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।